गोरखपुर के रूपल श्रीवास्तव ने यूपीएससी की परीक्षा में 113वीं रैंक लाकर आईएएस बनकर गोरखपुर सहित देश का नाम रोशन किया, जिसके संबंध में आईएएस रूपल श्रीवास्तव ने बताया कि मैंने 2019 से आईएएस की तैयारी की थी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी लिया था। मेरा यूपीएससी में 113वां रैंक आया है, जिसका श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ। इसके अलावा मेरे गुरुजनों का भी पूरा सहयोग रहा है, जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट चुनने में गाइड किया है और मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे अपना टारगेट बनाएं, हर महीने अपने टारगेट को कंप्लीट करें और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करें। उन्होंने बच्चियों के माता पिता से अपील करते हुए कहा, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। उन्होंने कहा, मेरे पिता सिविल सर्विसेज में हैं, जिसके कारण मेरा रुझान सिविल सर्विस पर था, क्योंकि अब इसमें आकर हर तरह का कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएएस रूपल श्रीवास्तव ने कहा, थैंक यू। किस तरह से आपने सफलता को हासिल किया, कितने वक्त ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें मुझे 113th रैंक मिली और मैंने तैयारी 2019 से स्टार्ट की थी, अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया था मैंने। इसका श्रेय किसको लेंगे, इतने बड़े? बहुत लोगों को श्रेय है, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया, अच्छे टीचर्स का, मेंटर्स का, जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज मुझे गाइड किया, और बहुत हद तक एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल भी है, जिसने हमेशा मोटिवेटेड रखा, जब भी लो फेजेस आए तब भी। तो बहुत सारे लोगों का मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, जो अभी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे उनके लिए क्या, किस तरह तैयारी का क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए, और उसको आप छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कीजिए, मंथली, वीकली, डेली, और फिर उन टारगेट्स को कंप्लीट करने पे फोकस कीजिए। जो भी इस प्रोसेस में आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। तो देखा जाए पूरे देश में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है, टॉप 4 में जो लड़कियाँ आई हैं, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे? जी, ये टॉप 4 में जो आई हैं लड़कियाँ, या पूरे रिजल्ट में ही लड़कियों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट लाया है, तो बस ये मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के जो भी बैरियर्स हैं उनसे घबराइए मत, आप अपनी फुल मेहनत कीजिए और आपके एफर्ट्स को देख के ज़रूर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी अगर लड़कियों की पढ़ने की इच्छा है और मेहनत करने की उनमें कैपेबिलिटी है, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनको अपनी बच्चियों को प्रोवाइड कीजिए, ताकि अगर वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं, वो उसको यूटिलाइज कर सकें। पापा मेरे सिविल सर्विसेज में हैं, तो बचपन से वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि इस सर्विस में अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ों में एक साथ योगदान देने का मौका मिल सकता है।